आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रे अधर पणा भोग करा जाय थाए। बाहुड़ा यात्रा परे सिंह द्वार रे तीनी रथ उपरे सुना बेस परदिन अधर पणा नीति होइथाए। मध्याह्न धूप शेष होबा परे ओ संध्या आरती पूर्वरु एही नीति अनुष्ठित होइथाए। श्री विग्रह मानंकर श्री अधर उच्चता विशिष्ट लाउ तुंब भली स्वतंत्र शैली रे निर्माण माटीहांडी रे पणा सबुकु रथ उपरे रखा जायथाए। प्रति रथरे तीनी हांडी हिसाब रे मोट नौटी हांडी आधारे पणा भोग करा जायथाए। एही नौ हांडी को पणा पूजा पंडा सेवक मैंने पंचोपचार पद्धति रे श्री विग्रह को अर्पण करिथांती। भोग हेबा परे पणा थिबा हांडी गुड़ी को रथ उपरे भांगी दिया जाए। रथ गुड़ी करे थिबा पार्श्व देवादेवी चंडी चामुंडा तथा अशरीर मानक उद्धार निमंते पणा हांडी सबको भोग हेबा परे भांगी दिया जिवार विधि रहिछि। श्वेतलिपि अनुयायी बाहुड़ा दशमी दिन रथ सिंहद्वार निकट में पहुंचा पर अधर पणा भोग होगा कथा, किंतु समय अभाव एकादशी दिन अनुष्ठित होता है। एकादशी दिन मध्य नीति हो नपारी अनेक वर्ष धरी द्वादशी तिथि ही अधरपणा भोग करा। तेरे अनन्य अधरपणा नीति पछे रही गुढ़ तत्व, तेज आसतु जाणवा अधरपणा नीति कहीं। पौराणिक वर्णना अनुजाई श्री गुंडीचा यात्रा समय रे महाप्रभु सहित रथरे अनेक देवादेवी दानव गंधर्व यक्ष चंडी चामुंडा तथा अशरीर माने यात्रा करिथांती। एसबु आत्मार शांति निमंते नीलाद्री विजय पूर्वरु महाप्रभु अधरपणा अमृत पान करिथांती। पणा पान करी अतृप्त आत्मा मुक्ति लाभ करिथाए। वर्षकु थरे मणिषंक परि प्रेतात्मा माने मध्ये चाहि बसिथांती रथ यात्रा को। अतृप्त आत्मा तृप्ति हुंती, अशरीर माने मुक्ति पांती। एभली अनेक लोक प्रबाद अधर पणा को नहीं रही। प्रत्येक ठाकुर सम्मुखें रथ उपरे भोग होता स्थान में महाप्रभु श्री अधर उच्चता थिबा तुम्बी आकृति भली माटी रे तीनोटी हांडी रखा जाए। पूर्वरु पणिया अपाट सेवक मैंने सिंहद्वार छाउणी मठ सम्मुखस्थ कपूर गरा मानक जल काढ़ी रथ उपरकु बोही बड़ पीतल हांडी मानक रखि थांती। सिंहद्वार सम्मुख कूपर ही जल अणा जाए। अधरपणा भोग पूर्व महास्वार माने थाई भीतरस्थ तलुस्थ रथरे पालिया पुष्पलक अधर आगरे खंडे नुआ गामुछारे टेर को धरी थांती। अधरपणा हांडी उपरे खंडे लेखाएं धला जालिकना पका जाए। जल छणा उद्देश्य एहा पका जाए बोली कथित रही। तबे कौन रही नौ हांडीर पणा व्यवस्थार रहस्य? बलभद्र को तारा, सुभद्रा को भुवनेश्वरी और जगन्नाथ को महाकाली बोली तांत्रिक और शक्ति उपासक माने पूजा करिथांती। तेणु यह नवदिनात्मक रथ यात्रा को तंत्र पूजा बोली मध्य कहा जाए। खाली से नुह, तंत्र प्रभाव जगन्नाथ संस्कृति में रही थी। प्रति रथरे नौ जन लेखाएं पार्श्व देवादेवी रही थी। अधर पणा बेले प्रति रथरे तीन तीनोटी करी मोट नौटी हांडी पणा महाप्रभु मण ही होता है कहा जाए। देवस्नान पूर्णिमा ठारु श्री गुंडीचा उत्सव आरंभ हो नीलाद्री विजय समाप्ति होइथाए। देवता मानक ठारु उत्सव आरंभ हो अशरीर मानक पाखरे सरी थाए। देवस्नान उत्सव रे महाप्रभु देवता यक्ष गंधर्व आदि को दर्शन दे कृतार्थ करुथिबा बेले द्वितीय भाग रे श्री गुंडीचारे रथरे बसी मनुष्य पशु ठारु जन्मग्रहण करिथिबा समस्त प्राणी को दर्शन दे पतित उद्धार करिथांती। रथयात्रार शेष भाग रे महाप्रभु मधुर आधार रे पणा हांडी स्पर्श कर शरीर और प्रेतात्मा उद्देश्य समर्पण कर उद्धार करिथांती। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ओडिशा।